لله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبكة. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره الفتح सूरतलफ़त मदनी सूरत है मसानी सूरतों में से है आयत की तादाद उनतीस है चार रुकू हैं पाँच सौ तिरसठ कलिमात हैं दो हज़ार पाँच सौ उनसठ हरूफ़ हैं तरतीब के अतबार से इसका नंबर अड़तालीस है नज़ुल के अतबार से ये सूरत हदैबिया से वापसी के रास्ते में सूरत अफफ़ के बाद नाजिल हुई छह हिजरी में ज़ुल्क़ाद में ये सूरत ताक़ीदी उसलूब के साथ शुरू होती है, इन्ना, इन्ना के साथ इसका एक ही नाम बताया जाता है सूरतफ़ और इसकी वजह तस्मिया क्या है कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा फतूहत और अजीम अतियात का ज़िक्र किया है जो उसने अपने रसूल वसल्लम और आपके सहाबा को अता किए इस सूरत की पिछली सूरत यानी सूरत मोहम्मद के साथ मुनासबत यह है अल्लामा आलूसी अपनी तफसीर मानी में कहते हैं कि इस सूरत को सूरत मोहम्मद यानी सूरत क़िताल के बाद लाना बहुत उम्दा है क्योंकि फ़तह मदद के मन में है जो कि जंग के नतीजे में हासिल होती है इसलिए फतह को मोहम्मद के बाद लाया गया है दोनों सूरतों में यानी सूरत मोहम्मद और सूरतुल्फ में खालिस मोमिनों, मुनाफिकों और मशरकों का जिक्र किया गया है और इसलिए भी कि पहली सूरत जो सूरत मोहम्मद है उसमें इस्तार करने का हुक्म है अल्लाह at ताला का फरमान है फलमूला वस्तफिर वमुमिनत और यहाँ सूरत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया है लियख फिर अल्ला मातकद्दम अमिनिका व माता अखर इसके अलावा भी कई एक मुनासबतें हैं जो इन सूरत की तफसीली शर में आप महसूस करेंगे चूँकि मदनी सूरत है तो मदनी बाकी तमाम मदनी सूरतों की तरह इसमें तश्रैकाम हैं जो कि मामला इबादत अखलाक और दीगर रहनुमाई पर मुश्तमिल है ये सूरत करीमा उस वक़्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह वसल्लम छः हिजरी में जुल्कादा छः हिजरी में हुद़ैबिया से वापस तशरीफ़ ला रहे थे जब मुशरिकीन ने आपको और आपके सहाबा को उम्र से रोक दिया था मस्जिद हराम में जाने से रोक दिया था वो आप और बैतुल्लह के दरमियान हायल हो गए थे और फिर बिल आखिर मुसालहत और माहदे की तरफ मायल हो गए और कहा कि आप इस साल चले जाएं और आइंदा साल उम्र के लिए आ जाएं। तो आपने सहाबा की जमात की नापसंदीदगी के बावजूद इस बात को तस्लीम फरमा लिया यानी उनकी शराय को मान लिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने अपनी जगह क़ुर्बानी को क़ुर्बानी कर दी यानि जानवर नाहर कर दिए जहाँ आप रोक दिए गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए तो रास्ते में ये सूरत नाजिल हुई तकरीबन 25 मील के फ़ासले पर और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुफ़ार मक्का के हालात को बयान किया गया और सुलह का जो अंजाम होगा और सुलह के जो मसलियत है उसको फ़तेह मुबीन करार दिया गया इस वाके की तफ़ीलत सीरत की किताबों में तफ़ी के साथ मिलती हैं सही बुखारी में भी एक तवील हदीस है जिसमें सारे वाक़े की सुलह उदैबिया की तफ़ील मौजूद हैं लेकिन हम वक्त के साथ साथ जहाँ आयात के तहत ज़रूरत होगी वहाँ कुछ तफसील लाएंगे यहाँ पर माहदे की जो शरात थी जो मुसलमानों और मशरकिन के दरमियान सुलह का माह करार पाया था उसकी कुछ शिके आपके सामने रखूंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के साथ जो शर्तें तय हुईं वो ये नंबर एक वसल्लम इस साल मक्के में दाखिल हुए बग़ैर मुसलमानों के साथ वापस जाएंगे, अगले साल मक्का आएंगे और तीन रोज़ क़याम करेंगे उनके पास कोई हथियार ना होगा सिर्फ मैान के अंदर तलवारें होंगी अब आप सोचिए कि उमरे की नीयत से बिल्कुल हरम के करीब पहुँच कर वापस भेजा जा रहा है और साल बाद आने को कहा जा रहा है और वो भी सिर्फ़ तीन दिन के लिए और उसमें भी कोई हथियार वग़ैरह नहीं होगा तो मुसलमानों के लिए ये शर्त मानना बहुत मुश्किल काम था बहरहाल आप इस पर आपने इतफ़ाक़ किया नंबर दो नंबर दो फरीकान में दस साल के लिए दस साल के लिए जंग बंद रहेगी तो आप ये ये कुर्सी बदल लें। नंबर कि में दस साल के लिए जंग बंद रहेगी यानी आइंदा के लिए अमन हो गया नंबर तीन जो मोहम्मद अलैहि वसल्लम के अहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है और जो कुरैश के अहद में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकता है नंबर चार कुरैश का जो आदमी मुसलमानों की पनाह में जाएगा मुसलमान उसे कुरैश के हवाले कर देंगे लेकिन मुसलमानों का जो आदमी कुरैश की पनाह में आएगा कुरैश उसे वापस ना करेंगे इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और इमला करा दिया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखें लेकिन सुहेल जो कि माहिदा के वक्त नुमाइंदा था कुरैश का उसने कहा हम नहीं जानते कि रहमान क्या है आप बसम लिखें रसूल अल्लाह सल्ला ने उन्हें यही लिखने का हुक्म दिया फिर आपने इमला कराया ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूल सल्लाम ने मुसालहत की है इस पर सुल ने कहा अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो हम आपको बैतल्ला से ना रोकते और ना आपसे जंग करते आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाएं आपने फरमाया इन्नी रसूल अल्ला व इनका जब तुमनी मैं अल्लाह का रसूल हूँ यकीनी तौर पर खातु मुझे चुटलाओ ना भी मानो तो भी को हुक्म दिया कि वो इसको मिटा कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। उन्होंने गवारा न किया लिहाजा सल्लल्लाहु सल्ला वल्म ने अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद मिटाया और फिर पूरी दस्तावेज़ के दो नुस्खे लिखे गए एक नुस्खा कुरैश के लिए और एक मुसलमानों के लिए तो उम्र से दस्बरदारी और सलाकी इन शरात पर मुसलमानों के अंदर ग़म और ग़ुस् की एक लहर दौड़ गई आपली व फ़रमाया मन हरू उठो और अपने जानवर कोर्बान करो मगर कोई ना उठा आपने तीन बार ये बात कही और ये पहला मौका था कि साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर से मस ना हुए वरना आपका इशारा भी काफ़ी होता था आप बहुत रंजीदा हुए हजरत सलमा के पास गए उनसे इसका जिक्र किया उन्होंने मशवरा दिया कि आप उठकर अपना जानवर कुर्बान कर दें अपना सर मुंडा लें और किसी से कुछ ना कहें आपने भी यही किया और मुश्किन को आम, मुश्तक को दिखाने के लिए अबू जहल का एक ऊंट भी जबह किया जो जंगे बदर में हाथ आया था जिसकी नाक में चांदी का एक हल्का था बहरहाल आपको देखकर साहब कराम ने भी अपने अपने जानवर ज़बह किए और अपने सर में डालिए मगर गम के बायस उनकी कैफ़ियत ये थी कि लगता था कि एक दूसरे को कत्ल कर देंगे इस मौके पर गाय और ऊँट सात सात आदमियों की तरफ से ज़बह किए गए सहाबा के ग़म की दो वजूद थी एक तो ये कि वो उम्र के बग़ैर वापस हो रहे थे और दूसरी ये कि सुलह में फरीकैन में बराबरी न थी क्योंकि ये तय हुआ था कि मुसलमानों के पास जो आए वो वह वापस कर दें उसको लेकिन कुरैश के पास कोई जाए तो उसे वापस न करें तो रसूल सल्ला वम ने उनको इस बात से मतमिन किया कि हम अगले साल उम्र करेंगे लहजा खाब सच्चा है सुलह की और दूसरी वजह को यह कह के मुतम किया कि जो आदमी हमारा उनके पास चला गया अल्लाह ने उसे हमसे दूर कर दिया हमें उसे वापस लेके क्या करना है और उनका जो आदमी हमारे पास आएगा अल्लाह उसके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा तो बहरहाल और भी कई तारीखी तफसलत हैं इसके अंदर जो इस वक्त सूरत का मौजू नहीं तो बाकी चीज़ें इन शक्त के साथ आपके सामने आएंगी इस सूरत की फ़ज़ीलत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी आयत को पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब करार दिया सही मुस्लिम की रिवायत है अनस बिन मालिक से वो कहते हैं कि जब यह आयत उतरी इन फतहना फ़तः फतहम मुबीना हम वीना लिय फिर मा तकद्दम अमिनिक और आखिर फौजन अजीमा तक उस वक्त आप खुदैिया से वापस आ रहे थे और लोगों के दिलों में ग़म और दुख की कैफ़ीत तारी थी आपने हदैबिया में कुर्बानी के ऊँट नहर कर दिए थे जब ये आयात उतरी यानी जब वो ऊँट भी कुर्बान हो गए और वापसी का सफ़र भी हो गया और सब रंजीदा और थके हुए थे तो अल्लाह ने ते सूरत नाजिल की आपने फ़रमाया मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल की गई है जो मुझे पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब है सही बुखारी में आता है अब्दुल्ला बिन मुग़ल कहते हैं कि मैंने फ़तेह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर सवार देखा आप उस वक्त सूरत अलफत बड़ी खुश ललहानी के साथ पढ़ रहे थे रावी कहते हैं अगर मेरे गिरद लोगों के जमा होने का अंदेशा ना होता तो मैं भी उसी तरह खुश ललहानी के साथ पढ़ कर सुना था जैसे आप सल्हम ने इसको पढ़ा था ज़ाहिर इसमें आपका जिक्र था आप पर अल्ला के इनाम और इकराम का ज़िक्र था और अगरचे आप एक बड़े सदमे से गुजरे थे लेकिन जिस तरह अल्लाह ने आपको खुश कर दिया और आ, आ, आ अल्लाह ने आइंदा के लिए खुशखबरियां दी तो उससे मुसलमानों का ईमान और बढ़ गया तो इसकी पहली आयत है इन्ना फतहना लका इन्ना बेशक हमने ताक़ीद भी है ताजीम भी है ताक़ीद क्या है इन्ना और नून जो है वो वी रॉयल्टी का है बेशक हमने फताह ना फतः अता की आपको लका आपको सिर्फ ये नहीं कहा इन्ना ना फताह ना फतः मुबीना बल्कि फताह ना ल आपके लिए फतह मुबीना खुली फतह यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खुली फतह अता की है जिसमें अल्लाह आपके दीन को ग़लबा अता करेगा और आ आपको आपके दुश्मन पर मदद देगा और इशारा है किसकी की तरफ हुदै, सुलह उदैबिया की तरफ जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से अमन में आ गए थे और अल्लाह के दिन की तरफ दावत देने का दायरा वसी हो गया था और जो शख़्स भी इस्लाम की हकीकत से वाकिफ होना चाहता था उसको वसाइल नसीब हो गए थे या उसको मौाक़ मिल गए थे और यही वो दौर है सुलह का कि जिसमें फिर लोग ग्रोह दर ग्रोह अल्लाह के दिन में दाखिल हुए इसीलिए अल्लाह लिए सुबह ने इसको फतह मुबीन का नाम दिया यानी ऐसी फतह जो जाहिर और वाज है इस सूरत में चार बार फ़तह का लफ्स आता है और फतह का लफ्सी माना होता है किसी बंद चीज़ को खोलना और फतहबलत से मुराद होता है शहर पर कामयाबी और गलबा देना और शहर फतह करने वाले के तसलत में आना और ये फतः जो है ये दरअसल इंतशार दीन की अलामत थी बाद कहते हैं कि इसमें फतह से मुराद फतः मक् है लेकिन अक्सरियत की राय यह है कि इससे मुराद सुलहुदैबिया और उसके नतीजे में हासिल होने वाली बहुत सी खैर बरकात हैं और मुसलमानों को जो बहुत से फ़वाद हासिल हुए इसके बाद वो मुराद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने इसको आसान बना दिया और इस, इस ये जो लक़ा का लफ्स मुकदम आया है फतहन मुबीना पे तो इसमें यह है कि नबी वसल्लम के हुक्म की ताज़ीम पाई जाती है यानी आपकी वजह से ये फतह अता हुई है और आपकी इतात करना जो है वो कामयाबियों की ज़मानत है और फिर मुबीना का लफ्ज़ जो है खाली फतः का लफ्ज़ ही नहीं आया मुबीना का लफ्ज़ भी आया है इसका मतलब है ज़ाहरी फतह यानी तुम्हें अगर अगरच नज़र नहीं आ रही लेकिन ये एक दिन ये साबित हो जाएगा कि ये वाकई बहुत बड़ी फतह थी और इस बाहिर तकलीफ सुलह के अंदर बहुत बड़ी खैर छुपी हुई थी और क्योंकि इसके बाद अगले साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप थोड़ा सा पीछे पलट के देखें तो सुल्ह देविया से एक साल पहले गज़बा अहज़ाब हुआ था जब जंग के बग़ैर सारी फ़ौजों को अल्लाह ने खास रहमत से बगैर अपने मकसद में कामयाब हुए वापस कर दिया था तो उनके वापस जाने के बाद आपने फ़रमाया था कि अब कुरश तुम पर चढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि तुम उनकी तरफ जाओगे और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ख़्वाब दिखाया गया तो फिर आपने लोगों में ऐलान किया और जितने मुखलिस मोमिन थे वो आपके साथ जाने को तैयार हो गए तो चौदह सौ की तादाद में थे और बाज़ रवायात में अठारह सौ का भी लफ्स आता है लेकिन ज़्यादातर चौदह सौ की बात है कि चौदह सौ लोग आपके साथ जाने को तैयार हो गए और ये एक तरह से दुश्मनों के घर में जाना था लेकिन एक तरह से आगाज़ हो गया था कि अब तक तारीख का जो दौर है वो बदल रहा है और बरका पलटा जा रहा है तो इस मौके पर चौदह सौ लोग आपके साथ आए मुनाफिकीन ने तरह तरह के बहाने किए वो साथ नहीं गए और फिर वहाँ पर जो बैत हुई और जो हजरत हज़रतमान रजी अल्लाह आन हो के शहादत की ख़बर सुनने के बाद नबी सल्ला वसम ने बैत ली और फिर उनके बारे में बशारत दी कि जो भी इस बैत में शरीक हुए उनमें से कोई शख्स भी आग में नहीं जाएगा हुँ? तो इसमें भी कितनी बड़ी हिकमत थी अगर कोई मुनाफिक होता तो उसके लिए तो ये खुशखबरी नहीं हो सकती थी न तो बहरहाल ये फतः सुलह हुई आ, जिसको फ़तेह मुबीन कहा गया फिर उसके बाद अगले ही साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद खैबर पर हमला किया और ख़ैबर फतह किया तो फतह का दरवाज़ा खुल गया क्योंकि अब कुरैश तो कहीं से हमला हो नहीं सकते थे फिर उसके बाद उससे अगले साल जो है वो मक्का फतह हो गया जो कि यानी कि इस बात की अलामत था कि अब गलबा मोहम्मद सल अ के लिए और आपके साथियों के लिए और दीन इस्लाम के लिए है और फिर उसके बाद तरह तरह के वफूद जो हैं वो हाजिर होते हैं और फिर गजवा तबूक होती है और उसके बाद ये कि मिशन मुकम्मल होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो बहरहाल इस फतह के बाद आप के तकसीरात भी माफ़ कर दी गई और खैबर के बागात की खजूरें आपको खिलाई गई फिर आपने रूमियों की तरफ पेशकदमी की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के जाने के बाद जो खुलफा आए उन्होंने रोम और फारिस को फतह कर लिया अहले किताब के और और फिर बाकी लोगों पर भी तो इस्लाम जो था वो दिन बदिन तरक्की पजीर होता गया तो आगाज़ जो था नुकता आगाज़ जो था वो सलाह उदैबिया थी तो इसलिए इसको फतह मबीना कहा गया बरा अबन आज़ब कहते हैं कि तुम लोग फ़तह से मुराद फ़तह मक् लेते हो ठीक है फ़तह मक् तो फ़तह थी लेकिन हम लोग हदैैबिया के रोज़ बैत रिजवान को फ़तह शुमार करते हैं उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हम चौदह सौ अफ़राध थे हुदैबिया नामी वहाँ एक कुआँ था हमने उससे इतना पानी निकाला कि उसमें एक कतरा भी बाकी न छोड़ा जब नबी सल्ह्स वम को इसकी इतला हुई तो आप कुएँ पर तशरीफ़ लाए और उसके किनारे बैठ कर एक पानी तलब किया वज़ू किया कुल्ली की दुआ फरमाई पानी को कुएँ में डाल दिया थोड़ी देर के लिए हमने उस कुएँ को यूं ही रहने दिया फिर तो यूं हुआ कि उसने हमारी चाहत के मुताबिक हमें और हमारे ऊँटों को सैराब कर दिया यानी चौदह सौ लोगों के लिए और उनके जानवरों के लिए भी पानी जो था उसमें से फिर निकल आया और यह भी एक नबी सल्ला वसम का मुआजा था बहरअलना लका न मुबीना मातकमिक मातअरा व मतु अलई का व यह दिया का सरातम मुस्तकी माता ताकि अल्लाह आपको बख्श दे आपका कोई आपका कोई कसूर जो पहले हुआ और जो पीछे हुआ और अपनी नमत आप पर पूरी कर दे और आपको सीधे रस्ते पर चलाए यानि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इस फतः के हसूल को आपकी तमाम लफजिशों की बख्शिश का ज़रिया बना दिया है यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी चीज़ बाकी न रहे जिसकी वजह से आप सारी मखलूक़ के दरमियान फ़ज़ीलत की इंतहा तक पहुँचने से कासिर रहें तो अल्लाह ने इस बख्शिश को आप के लिए उन आमाल की तकमील का ज़रिया बनाया जिन आमाल के लिए अल्लाह ने आपको भेजा था वन मतहू अलई का व यह दिया का सरात और फिर आपके ज़रिए आपको भी सही रास्ता दिखाया और आपके ज़रिए लोगों को भी सरात मुस्तकीम दिखाया तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाह में से है क्या कि आपके अगली पिछली लफ्जिशें सब माफ ये आपके अलावा किसी और के लिए नहीं कहा गया इस खसूसियत में आपके साथ और कोई भी शरीक नहीं यह शरफ़ सिर्फ आप ही को हासिल है क्यों इसलिए कि आपने हमेशा अल्लाह सुबहान तौ की इतात की इस्तकामत को इख्तियार और इबादत के वो नमूने कायम किए जिस तक किसी बशर को रसाई ना हुई यानी कोई वहाँ तक नहीं पहुँचा और इसमें कोई शक नहीं कि आप हकीकत में तमाम इंसानियत के सरदार हैं आप हर लिहाज से लोगों के लिए एक नमूना हैं और आप नंबर वन हैं दुनिया के लोगों की निगाह में भी और आलमीन की निगाह में भी तो यहां पर यह जो कहा गया लिया और फेरा पीछे फतह मुबीना की बात हुई और फिर फतह के साथ मगफरत की बात भी हुई यानी फतह के साथ मगफरत भी जमा हो जाए और मा तकदम का मतलब क्या है जो पहले गुजर चुका इसका एक माना किया जाता है जो नबूवत से पहले की आपकी लफ्जिश है और फिर बाकी नबूवत के बाद एक माना यह किया जाता है कि हिजरत से पहले जो कुछ हुआ मक्का में और हिजरत के बाद जो कुछ हुआ अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई आपके कोई कसूर थे या लफजिशें थी या कोई आपका कोई जम्ब था तो बात यह है उलमा कहते हैं लोगों के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं कुछ लोग हराम कामों और नाफरमानियों से बचते हैं ये आम मोमिन है आम मोमिन कौन है जो हराम कामों और नाफरमानियों से बचते हैं कुछ लोग शक व शुभहात वाली चीजों से बचते हैं इन लोगों का दर्जा पहली किस्म के लोगों से बुलंद है ये तकवा वाले हैं ना मोमिनों से ऊपर के दर्जे के हैं कुछ लोग खालिस हलाल को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कभी वो हलाल खालिस हराम के करीब होता है यानी इस शा, इस डर से कि कहीं ये हराम के करीब ना कर दे वो खालिस हलाल को भी छोड़ देते हैं वो अपने यकीन की हिफाजत करते हैं अपने ईमान को बचाते हैं ये लोग दर्जा के लिहाज से पहली दो किस्मों से बुलंद हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बसीरत अल्लाह के साथ जुड़ी होती है वो अपनी ज़िंदगी ख़्यालत और जज्बात में अल्लाह की तरफ मुतवजह होते हैं ये लोगों की एक और किस्म है जो बहुत ज़्यादा बुलंद मरतबे वाली है और इन में से हर एक की अपने अपने मकाम के मुताबिक गलतियाँ भी होती हैं जिनका सबसे ऊंचा मर्तबा है उन लोगों की गलतियाँ कम दर्जे वाले लोगों के कमालात शुमार होते हैं ठीक है जिनका मर्तबा सबसे ऊंचा है उन उनकी जो गलतियाँ भी जिनको कहा जाता है वो कम दर्जे वाले लोगों के कमाल शुमार होते हैं तो अल्लाह ने अपने नबी की मक़फ़रत कर दी का यही मतलब है जैसे कहा जाता है हसनातुल्ब्रार सियातुलमक्रबीन कि जो अबरार की नेकियां होती हैं वो मुकर्रबीन के लिए कसूर शुमार होते हैं सयात शुमार होते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़ुशखबरी मिल गई कि अगला पिछला सब माफ तो क्या उसके बाद आपने फिर इबादत में कोई कमी कर दी थी कि अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है अब फ़िक्र क्या ज़रूरत है नहीं इसके बावजूद आप इबादत में बहुत मेहनत करते थे सही बुखारी में आता है हजरत ताशा कहती हैं अल्लाह के नबी रात की नमाज में इतना तवील क़्याम किया करते थे कि आपके पाँव मुबारक पड़ जाते हजरत तो ऐशा ने एक मरतबा अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप इतनी ज्यादा मशक्क़त क्यों उठाते हैं हालांकि अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली तमाम लफ्जिशें माफ़ फरमा दी हैं आपने जवाब दिया तो फिर क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना पसंद न यानी अगर कोई इंसान ये समझता है कि मेरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया हमारे लिए भी एक सबक है अगर हम ये कहते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हराम से बचते हैं और हर हल्ला का हुक्म मानते हैं आ, अब मज़ीद और क्या करना नहीं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस शुक्राने के लिए भी फिर मज़ीद अल्लाह की इबादत और इतात और उसकी राह में सदका खैरात करना वो कहती हैं कि फिर आखिरी उम्र में जब आपका जिस्म फरबा हो गया तो आप ये नमाज बैठ कर पढ़ा करते थे बस जब रुकू का वक्त आता तो खड़े होकर कुछ किरात फरमाते फिर रुकू करते और ये जो माना है वह युतिम लिया फिर का तो ये माना हो गया अब युतिम नमत का क्या मतलब है कि वो आपके दीन को गलबा दे और आप पर अपनी नेमत तमाम कर दे जैसे दूसरी जगह आता है ना अलीम अकमल तोल दीन अकम अतम तो अल नमती तो नमत से मुराद तकमील दीन है यानी दीन की बुलंदी के जरिए नेमत की तकमील की यानी जो मिशन आप लेकर आए थे वो मिशन मुकम्मल हो और आपके आपको आपके दुश्मनों के खिलाफ फ़ते अता करके नेमत की तकमील हो व्यादिया का सिरा तब मुस्तकी अल्लाह आपको अपने रास्ते पर साबित कदम रखेगा वो रास्ता जो नेमतों वाली जन्नत तक पहुंचाने वाला रास्ता है सरात मुस्तकीम से मुराद इस्लाम होता है यानी अल्लाह सुबहान हर तरह के हालात और आज़माइशों में आपको इस रास्ते पर साबित कदम रखा है वो रास्ता जिसमें कोई कजी नहीं याद रखिए हिदायत का मतलब राह दिखाना भी होता है उस रास्ते पर चलाना भी होता है और फिर उस रास्ते पर इस्तकामत भी होता है ठीक है यानी यह दिया का सिर्फ एक माना नहीं कि आपको बस रास्ता दिखा दे रास्ता दिखाना उस पर चलाना मंजिल तक पहुंचाना और उस पर साबित कदमी अता करना ये जो तस्बीत है ये भी वह यह दिया का सिरात मुस्तकीमा कि अल्लाह ने आपको सरात मस्तकीम पर साबित कदमी की तोफ़ी दी बावजूद इसके कि आपकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल आईं हर तरह के मसाइल आए लेकिन आप इस रस्ते से नहीं हटे और ये किसी भी इंसान की इंतहाई बड़ी खुशकिस्मती है कि उसको अल्लाह सुबहान इस्लाम से रूशनास भी कराए फिर जो कुछ वो उससे उसमें से सीखे उस पर अमल भी करे और फिर उस पर जमा भी रहे कभी उसको छोड़ने की का सोचे भी नहीं मुश्किल से घबरा कर हती कि उसी पर उसकी मौत आ जाए तो ये नेमत का इतमाम है ये बहुत बड़ी नेमत। दीन इस्लाम बजाते खुद बहुत बड़ी नेमत है और फिर उस पर इंसान का शरह सदर होना अफामय यशर सदर इस्लामी अला नूर रबी यानी शरह सदर और इस रोशनी में इंसान चलता रहे हालात कैसे भी हों दिन हो रात हो सर्दी हो गर्मी हो खुशी हो गमी हो इसी रस्ते को इंसान अपनाए और इसी पर उसकी मौत आए तो वो है असल कामयाब तिलावत تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا مزيد اور تاکہ الله تري مدد كري زبردست مدد यानी आप अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करने वाले हैं तो इस वजह से अल्लाह आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद करके आपको आपके दुश्मनों पर फतः व नसरत अता करेगा आपको आपके दुश्मनों के खिलाफ मदद देगा कैसी मदद नसरा अजीज़ा जबरदस्त मदद बे जिसके बाद कोई जिल्लत नहीं भरपूर मदद कि दुश्मनों पर पूरी तरह गालिब आ जाएंगे, और ऐसा हुआ पता है मक्का के मौके पर और उसके बाद भी यानी इसमें अल्लाह सुबहान ने सिर्फ मदद, मदद ही नहीं दी बल्कि आपकी हिमायत की आपको तहफ़ अता किया आपके दुश्मन को दूर कर दिया और ऐसी मदद दी जिसको जिसपे कोई गालिब नहीं आ सकता था यानी कोई अंडू नहीं कर सकता था उसको जो आप वो जो हटा नहीं सकता था और ये एक बहुत बड़ा फ़ज़ल था जो आपको नसीब हुआ कितनी मुश्किल आपने देखी थी मक्का के अंदर और फिर हिजरत और फिर एक के बाद एक जंग और तरह तरह की कुर्बानियाँ और तरह तरह की मुश्किल और और फिर हर लिहाज से दिल तोड़ा जाना उम्र के करीब पहुँच के उमर न करने दिया जाना वापस भेज दिया जाना लेकिन इसी मौके पर अला सुबहान आपको सारी खुशखबरियाँ दी कि अल्लाह सुबहान ऐसी मदद देगा वय सुर यानी ये बात ये जहन में रखिए कि ये आयत उतर कहाँ रही है ये उस वक्त उतर रही है जब सबके दिल टूटे हुए हैं वन सुर नसरा नजीज़ा और वाकई सुलह उदैबिया के बाद जिस कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए उससे पहले नहीं हुए सुलह उदैबिया के मौके पर कितने लोग थे चौदह सौ और फतह मक्का में कितने थे दस हज़ार दस हज़ार थे फिर उसके बाद हुनैन में और कसरत हुई फिर फिर दो साल बाद ही वो हज हजतल्बा हुआ और उसमें एक लाख लोग थे तो ये है हैकल्लासरा अजीज़ा इतना गलबा इज़्ज़त ग़लबे के मानो भी आता है। इतना गलबा इतनी कसरत अब इतनी कसरत में मुसलमान हो गए कि कोई आपको दुश्मन आप पर गालब नहीं आ सकता था और फिर बड़े बड़े जो हीरो थे वो इस्लाम में दाखिल हो गए ख़ालिद बिन वलीद अम्र बिन आस इकरमा बिन अबी जहल सफ़वान बिन उमैया जो इन सरदारों के बच्चे थे वो सारे के सारे मुसलमान हो गए और उनके अंदर ज़बरदस्त जंगी सलाहियतें मौजूद थी ويَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. پہلی আয়াত سے اس آیت تک پھر میں آپ سے لیتی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتمّ نعمته عليك ويهديك صراطاً दादाजा सुबहाना मैं तो ये सोच रही हूँ कि आ, दीगर साहब कराम के लिए अगर ये डिफ़िकल्ट मौका था लाइक थिंक अबाउट नबी वसल्लम क्या सोच रहे होंगे या वसल्लम के लिए कितना डिफ़िकल्ट था लेकिन उन्होंने जो अतात किया जो सबमिशन किया अपने नफ्स के लाइक like, बाज़ दफ़ा हमें चीज़ें नज़र आ रही थी लेकिन उनके उनमें अल्लाह ताली की कदर को एक्सेप्ट करना दैट इज़ लाइक द प्राइम टाइम जो नबी ने उसको डिस्प्ले करके दिखाया और उसके जवाब में फिर अल्लाह सुबह ताली ने उनको जैसे खुश कर दिया और सुरे फता जो है नाजिल हुई सुबह एवरीबडी सरप्राइज और किसी को यकीन नहीं आता कि इसमें फतेह कैसी है लेकिन यानी आज तक हम कोट करते हैं कोई इंसिडेंट वी ऑलवेज गो बैक टू अ टाइम इन हिस्ट्री के जब यू you नो know, कैसे चीज़ें बिल्कुल अनरोल हुई हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो बाद के ज़माने में उन्होंने किसी शख्स से कहा कि रसोल सल्हल ने मक्का वालों से सुलह की और उनको कुछ चीज़ें दे दी अगर रसोल्ला सल्ल्ह्सम ने मेरे ऊपर किसी और को अमीर बनाया होता और वो अमीर वो करता जो रसोल्लाम ने किया तो ना मैं सुनता ना मैं मानता और रसोल सल्हलम ने उनके लिए जो कुछ मुकर किया उसमें से ये था कि काफ्रों में से जोश मुसलमानों से मिल जाए तो मुसलमान उसको लौटा देंगे और मुसलमानों में से जो शख्स काफिरों को मिले तो काफिर उसको नहीं लौटाएंगे लेकिन लीडर की यही दूर रसी होती है कि वो ये बात समझ जाता है कि अगर हमारा बंदा कोई हमसे कट के कहीं और जा रहा है बे कर रहा है तो हम उसे वापस क्यों लें वो हमारा क्या लगता है अब ये आम बंदे को ये बात समझ नहीं वो और टर्म्स में सोच रहे होते हैं अच्छा वो हमारे साथ ये कर करें तो हम उनके साथ ये क्यों करें नहीं इसलिए कि हमारे इसमें फ़ायदा है तो बाज़ात कुछ चीजों के अंदर बज़ाहिर यूं नजर आ रहा होता है कि जैसे हमारा नुकसान है लेकिन हकीकत में उसी के अंदर हमारा फायदा भी होता है जो आम निगाह नहीं देख सकती वो सिर्फ बसीरत वाली निगाह ही दे सकती है और ये फतः जो थी बर्दाश्त का नतीजा था ये बहुत बड़ी बर्दाश्त थी जी इसी बात को मैं आगे जैसे इसका सेकंड पार्ट जैसे नबी सर ने इसका जवाब दिया ना कि जो हमारे आए पास आएगा तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा फिर तवक्कुल की भी तो बात अल्लाह ताला है कि उसके लिए भी अल्लाह ताला कोई रास्ता definitely. निकाल लगे जी मेरे पास दो सवाल हैं एक तो ये जो ये शर्त थी कि हथियार नहीं लेके आएंगे आप लोग तो ये उनको क्यों नापसंद हो रही थी उनको ये था कि फिर हमारे ऊपर कहीं जंग, जंग न कर नहीं नहीं एक बात तो ये और दूसरा जैसे यहाँ पे वैसे तो हथियार लाने का मकसद क्या होता है किसी चौदह पंद्रह सौ लोग जो हैं हथियार लेके चले इसका मतलब ये है कि फिर तुम्हारी खैर नहीं जी तो उसदा तो सब कुछ माशा नबीम के बारे में है कि अल्लाह के हुकम से होता था लेकिन यहाँ पे वही के आने का नहीं मिलता ना, कि नहीं, उसका जिक्र नहीं आता ये सब उनकी अपनी से। सबसे बड़ी बात यह कि इस बर्दाश्त के नतीजे में जिस तरह दावा का मौका मिला और जिस तरह को इस्लाम के समझने का मौका मिला बाज़ा ऐसा लगता है कि जैसे हम हजीमत का शिकार हो रहे हैं हमारी कोई से नहीं है लेकिन खामोशी के साथ इंसान बहुत कुछ और कर सकता है जो बात फ्रंट पे आके नहीं भी कर सकता साजा इसको पढ़ के मैं सोच रही थी कि मुसलमान ऑलमोस्ट हर सेंचुरी में एट वॉर रहे हैं अब तक भी लेकिन क्या वजह है कि वो ट्रीटीज़ भी साइन करते हैं और हर तरफ़ जो विन भी कर जाता है यानी कॉन्क्रेड भी जो होता है तो वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होती है और उसकी वजह क्या है कि मकसद ही वो नहीं है कि अल्लाह सुबहान के दीन की बुलंदी के लिए जंग की जाए या दीन को प्रोपगेट करने के लिए जंग की जाए या बातिल का क़िला कमा करने के लिए जंग की जाए तो इस वजह से सिवाए तबाही के और कुछ नहीं नज़र आता और एक और बड़ी बात ये थी कि लोग इस सुला के बाद अमन में आ गए थे और अमन कितनी बड़ी नेमत है मुसलसल कई सालों से एक बदमनी छाई हुई थी जी जी एक तो मुझे आप करेक्ट करिएगा अगर कर मैं गलत हूँ तो मुझे वो याद आ रहा था कि अबासा में सूरत अबासा में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मखतूम जो थे उनकी तवज्जो नहीं दी थी तो उस, उनकी कितनी अ, मतलब उस वक्त सूरत नाजिल हो गई थी हाँ ये समझ गई हूँ आपकी बात इसमें आप देखिए कि अबसा मतलब पर अगरचे आपके ऊपर एक इताब आया अल्ला सुबहान तरफ से लेकिन आप सर सनारियों को देखें अगर मैं किसी से बात करी बीच में कोई आके इंटरफेयर कर रहा है और मैं उसे कहती जरा एक मिनट रुके मैं इनसे बात कर लूँ तो क्या मैंने गलत किया नहीं किया नहीं। लेकिन नबी अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया के उसमें ये भी यानी आपके अखलाक के बुलंद दर्जे के मुताबिक नहीं थी ये बात यानी गलत नहीं था आपने किया आप एक वाकई अहम काम कर रहे थे और दूसरे बंदे को जरा सा थोड़ा सा रोक रहे थे कि बाद में आपसे बाद में बात करेंगे और ये कितना ज़्यादा हमारे साथ होता है कि बच्चों के साथ भी होता है घर में भी होता है किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं तो बाद लोग बेसब्रे भी होते हैं बाद लोग को समझ नहीं होती वो वो कहते हैं नहीं पहले हमारी बात सुन ले वो बीच में आकर इंटरफेयर कर देते हैं तो आप उसे कहते कभी इशारे से कहते थे ज़रा सा रुक जाओ कभी जबान से कहते कि एक मिनट ठहरो तो हमने कभी सोचा भी कि हमने गलत किया या किसी ने हमें कहा कि तुमने गलत किया नहीं, नहीं। लेकिन ये है कि चूँकि वह नाबीना थे उनको पता नहीं था तो इसलिए अल्लाह सब तप सम की तरफ बात मोड़ दी कि इतना भी नहीं होना चाहिए था दूसरी बात मुझे जो माइंड में आ रही थी कि अमीर की अतात किस हाल में भी अगर अमीर सुन्नत पर हैं कुरान और सुन्नत पर हैं तो कितनी ज्यादा उस उस पे जैसे यानी ट्रस्ट अमीर जी ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है और बाजूक़त उसके फैसलों में जो हिकमत होती है वो अमीर को ही समझ आ रही होती है लोगों फॉलोअर्स को समझ नहीं आ रही होती लेकिन वो उस वक्त अपसेट हो जाते हैं अच्छा यहाँ का आप देखें कि उन्होंने आपस में कोई गॉसिप्स नहीं शुरू कर दिए और कोई पार्टीबाजी नहीं शुरू की या कोई रिबेलियन नहीं हुए बल्कि इतात कर ली बर्दाश्त कर लिया आ, मैं पूछ रही थी कि हथियार ले जाने के लिए मना किया था लेकिन तलवारें मैं में साथ वो अरब का एक कायदा था कि एक तलवार मैं में वो रख के सफर के लिए निकला करते थे कि रास्ते में अगर कोई जंगली जानवर हमला आवर हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए तो उस वक्त वो आ, उसका दिफा अपना दिफा कर सके उसकी इजाज़त थी इसीलिए आप देखें एक मौके पर आप आ रहे थे ना तो आपने एक दरख्त के नीचे आराम करे थे आपकी तलवार लटकी हुई थी तो ये एक अरब अरब का कायदा था एक कल्चर का हिस्सा था। दूसरा मैंने सोची थी कि इतने टूटे हुए दिलों के साथ वापस गए थे तो जो मुनाफिक होंगे मदीने में, उन्होंने क्या-क्या बातें उस वक्त नहीं की होंगी। हाँ, और वो आगे आ रही हैं उनकी बात। और ये जो यादिया का सिराता मुस्तकीमा है ना, ये भी आप देखेंगे। सिर्फ सिर्फ़ा को नहीं बल्कि और लोगों को भी सिरात मस्तकीम की रहनुमाई मिल गई हुँ? आपके ज़रिए और फिर नसरन अज़ीज़ा मिला और ये सब कुछ सब्र और बर्दाश्त का ही नतीजा था क्योंकि इन ला साबरीन वालम अन्ना नसर माँ सब्र के जान लो के मदद सब्र के साथ ही होती है जी अपनी बीवी को कंसल्ट किया हाँ बिल्कुल और उन्होंने कितना अच्छा मशवरा दिया और इससे यह पता चलता है कि बेहतरीन तरबियत जो है वो रोल मॉडलिंग से होती है करके दिखाओ जो आप अपने बच्चों से या अपने नीचे वालों से चाहते हैं कि वो करें वो आप उनके सामने करके दिखाएं तो वो करने लगेंगे इन जबान से कहा हुआ कम असर करता है और अमल की गवाही बड़ी होती है

वक़ान अल्लामन हकीमा वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई ताकि वो अपने ईमान के साथ ईमान में ज़्यादा हो जाए और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हमत वाला है यानी अल्लाह सुबहान किया वो किया कि उसने आसमानों और जमीन के लश्करों को अपने गलबे और अपनी बादशाही के मातहत रखा और फिर लोगों को एक दूसरे के साथ हटाता रहता है ताकि फिर उनके साथ उनके लिए आसानियाँ करे वो अनजला वो अल्लाह ही है जिसने नाजिल की असकीनता सुकून इत्मीनान सकीनत नफ्स की राहत सकीनत होती है नफ्स की राहत तस्कीन हरकत के बाद ठहराव को सुकून कहते हैं ये जिस्मानी भी हो सकता है जहनी या कल्बी भी हो सकता है जब जहनी और कल्बी होता है तो उसको सकीनत कहते हैं जिसमें दिल को तफक्रा और गम और फिक्र से निजात मिल जाती करार हासिल हो जाता है दोबारा देखिए यानि सकीन का लफ्ज़ जो है से निकला साकाना का मतलब होता है ठहर जाना और किसी चीज़ की हरकत के बाद जब वो चीज़ ठहर जाती तो हम कहते हैं सुकून आ गया ये जिस्मानी भी होता है और जहनी भी होता है ज़हनी सुकून भी होता है जिस्मानी सुकून भी होता है और जब दिल में एक ठहराव आता है तो उसको सकीनत कहते हैं ज़हनी और क़लबी जब होता है जब तफक्त और गम और फिक्र से दिल को निजात मिल जाती है इंसान राह पूरी राहत में आ जाता है फी कुलू बिल मोमिन मोमिनों के दिलों में सकीनत डाली और इसमें आप देखिए कि लफ्ज क्या है होल्लदी अनजल सकीनत इससे पहले जंग उहद के मौके पर भी अल्लाह सुबहान तला ने सकीनत उतारी थी और वो मुसलमानों के हाथों से तलवारें जो थीं वो गिरने लगी थी और नींद का गलबा हो गया था उन पर तुम्हारा तो यहाँ पर इन उनके अंदर एक इतमान पैदा कर दिया और वो क्या था कि अल्लाह के वादों पर यकीन और अल्लाह के रसूल पर एतमाद और एक कॉन्फिडेंस असल सकीनत इंसान को उस वक्त हासिल होती है जब इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी होता है हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है वह तकदीर का हिस्सा होता है मसलन किसी भी चीज पर जब हम बहुत बरहम होते हैं या इरिटेट होते हैं कि ये क्यों हुआ ये नहीं होना चाहिए था ये मेरी जिंदगी में क्यों है मसलन मेरी यहाँ शादी क्यों हो गई ये इस तरह का बच्चा क्यों पैदा हो गया मेरे घर में या ये इस तरह के इन लॉज़ क्यों मेरी किस्मत में लिखे हुए थे या वगैरह वगैरह यानी कोई भी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में बौदर करती हैं और एक तरह से टॉर्चर करती हैं जब इंसान उनके बारे में ये सोच लेता है कि ये मेरी तकदीर में लिखा था अल्लाह का फैसला था और अल्लाह इल्म वाला हमत वाला है तो किसी मकसद के तहत ही मुझे ये सब कुछ पेश आ रहा है किसी वजह से ही ये ये मेरी ज़िंदगी में ये रुकावटें हैं तो उससे फिर यह कि जब इंसान अपने रब की रज़ा तलब करता है और कज़ा और क़दर से राजी हो जाता है जैसे आता ना उमैम बिल्ला ही यह दल्बा जो अल्लाह पर एतमाद करता है अल्लाह उसके दिल को तसली दे देता है अलकम की तफसीर में कहते हैं बस ये वो शख्स है जिसको मुसीबत पहुँचती है तो वो जान लेता है कि अल्लाह की तरफ से है तो वो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है और उसको तस्लीम कर लेता है उसके अंदर सकीनत आती है मा ईमान सकीनत क्यों उतारी ताकि वो अपने ईमान में अपने पहले ईमान के साथ इजाफा कर सकें ईमानन, यानी जो पहले का ईमान है मा ईमान मजीद ईमान के साथ और यह भी कहा गया कि ईमानन का माना यह है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उस पर ईमान और मज़ीद ईमान जो और आ रहा है जो कुछ और अल्लाह का हुक्म फैसला आता है तो एक ईमान है जो तोहहीद पर ईमान लाकर अल्लाह पर ईमान लाकर हम ईमान डिक्लेयर करते हैं और फिर दूसरा होता है जो एहकाम पर ईमान लाकर हम अल्लाह सुबहान तला से राजी होते हैं एक तो कहते हैं ना रजी तो बिल्ला हो गई बात अल्लाह को एक मान लिया रब मान लिया ईमान आ गया वह इस्लाम दीहन ये क्या है ये मजीद है उस ईमान पर क्योंकि सबमिट कर दिया क्योंकि इंसान को जब दीन ईमान लाने के बाद अहकाम मिलते हैं ना तो फिर उसका असल रवैया सामने आता है और असल टेस्ट उसका होता है कि ये कहाँ खड़ा है ईमान के किस दर्जे पर है तो जब वो मान जाता है अल्लाह ताला का हुक्म अल्लाह ताला का फैसला नमाज का हुक्म आ गया सर तस्लीम ख़म ये नहीं कहता क्यों नमाज क्यों पढ़े रोज़े का दिन आ गए ठीक है मान लिया हज कर लो कर लिया रिश्तेदारों पर खर्च करो कर लिया आ, मुसीबतों पर राज़ी हो जाओ यानी सब्र करो राजी होने का मतलब नहीं कि आप उनको दूर करने की कोशिश ना करें सब्र करोर कर लिया कोई फौत हो गया अल्लाह से नाराज़ ना हो ठीक है तो जब इंसान सर तस्लीम ख़म कर लेता है क़ाल रब असलम काला असलम तो आलमीन तो फिर ये सकीनत उतरती है और फिर जो जो जु ज़िंदगी चलती जाती है और जो जो मसायल पेश आते जाते हैं और उसमें इंसान तस्लिम और अज़ा का रवैया अख्तियार करता है तो उसी एतबार से सकीनत आती जाती है यहाँ ये भी ईसाई से पता चल रहा है हाँ इबन अब्बास कहते हैं कि जब वो तोहद पर ईमान ले आए तो इबादात में इजाफा होने लगा तो जैसे जैसे वो इबादत ज़्यादा करते उनका ईमान बढ़ता जाता अब ये भी होता है ना कि जब हुक्म कोई आता है और आप उस पर अमल कर लेते हैं चाहे आप थके हुए हैं बीमार हैं कुछ हैं तो उसके बाद दिल के अंदर एक सुकून आ जाता है आपने देखा होगा कि आप इंतहाई मसरूफ़ होते हैं नमाज का वक्त आता है आप बड़ी मुश्किल से उठते हैं और फिर हम नमाज पढ़ लेते हैं पढ़ने के बाद आपकी हालत क्या होती है वज़ू के बाद ही तब्दीली आ जाती है फिर नमाज पढ़ते हैं फिर दोबारा वो काम शुरू करते हैं तो आसान हो जाता है हम इस बात से आमतौर पर बहुत इरीटेट होते हैं ये अब फिर दिन छोटे हो गए हैं जल्दी जल्दी नमाजों का वक्त आ गया काम ख़त्म नहीं हो रहा फिर बीच में छोड़ो काम वो अगर जो काम छोड़ना मुश्किल होता है लेकिन छोड़ के जब हम अल्लाह की तरफ चले जाते हैं ना तो वो जो करने की थकावट और उलझन होती है वो भी दूर हो चुकी होती है तो इसमें असल में हमारी हमारा ही भला होता है लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे होते और एक और बात जो इस से जानना ज़रूरी है वो ये कि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है जैसे क़ुरान की आयात पढ़ी जाए तो ईमान बढ़ता है वह ईज़ातुल्य हम आयात म ईमाना सूरत अनफ़ाल टू में आता है जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में बढ़ा देती हैं फिर इसी तरह ईमान में इजाफा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी एक्सपीरियंस से इंसान गुजरता है तो उसका ईमान बढ़ जाता है चाहे वो इतात में से हो, चाहे वो मुश्किल में से हों फामदीन आमनु फादत फा हम ईमानम यून सूरत तौबा में आता है बस जो लोग ईमान लाए तो उनको उनके ईमान में और इजाफा कर दिया फिर ईमान में इजाफा करने वाली कई चीज़ें होती हैं नेक लोगों की कंपनी में बैठना क़ुरान के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करना कायनात में गौर वफिक्र करना कायनात की निशानियों में गौर करना जैसे इब्राहिम सलाम का ईमान बढ़ा था तो बहरहाल लेकिन आपको मालूम है कि उम्मत में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने कहा कि ईमान बढ़ता घटता नहीं आ, या वो है या वो नहीं जिनमें से खबारिश थे तो इसी वजह से अगर कोई कबीरा गुनाह करता तो वो कहता कि इसका ईमान ये ईमान से निकल गया तो काफिर करार दे देते उसको इसी तरह मुर्जा मुरजा कहते हैं कि जो मर्ज़ी कर लो ईमान ईमान ही रहता ना वो घटता ना वो बढ़ता है उनके नज़दीक इब्बलीस का ईमान और फिरौन का ईमान और किसी सहाबी का ईमान एक जितना ही है कि बस वो आ गया या चला गया तो क्योंकि इबलीस को भी अल्लाह को जानता है तो वो भी मानता है और फिरौन भी किसी दर्जे में मानता था तो बहरहाल वल्ला जुनूद उसमावा वालर्थ और अल्लाह ही के लिए हैं लश्कर आसमानों और ज़मीन के ये ताला ही सुबहान सब को कंट्रोल करने वाला है और लेकिन ये लश्कर क्या हैं और किधर होते हैं व मा आलम जनूद रब्बिका तेरे रब के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता इसलिए जब कोई जानता नहीं तो हम क्या कह सकते हैं वो कौन से लश्कर हैं और वो किस किस्म के हैं इब्न मुबारक कहते हैं आसमानों में अल्लाह के लश्करों से मुराद फरिश्ते हैं और ज़मीन में अल्लाह के लश्करों से मुराद अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले हैं और ये बात असल में कही क्यों की गई कही क्यों गई सकीनत की बात हो रही थी ना तो सकीनत आती है जब इंसान को ये होता है कि अच्छा अल्लाह के पास तो बहुत लश्कर है अगर दुनिया में हम अकेले हैं हमारे साथ नहीं है या हमारा लश्कर छोटा है तो अल्लाह के लश्कर हैं ना हमारी मदद के लिए तो ये चीज़ और सकीनत और ईमान में इजाफे का बायस बनती है और ये भी कहा गया कि सकीनत भी अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और सकीनत की तरह मुश्किन और मुनाफिक पर अजाब भी अल्लाह का एक लश्कर है वकान अल्लाह अलीम हकीमा और अल्लाह बहुत इल्मा अपनी मखलूक को खूब जानता है और अपने कामों को चलाने में हमत से काम लेता है और ये जो है कान अल्लाह यानी अल्लाह है तो आइंदा भी होगा यानी अल्लाह ताला की ऐसी सिफत है कि जो हमेशा के लिए है तो बहरहाल इंसान जिस काम के लिए जितनी मेहनत करता है जितनी कोशिश करता है उतनी ही उसकी कदरदानी भी होती है और आ, उतनी ही फिर उस काम को करने के बाद एक अचीवमेंट के बाद एक शकीनत भी दिल में आती है तो इन इस सारी मशक्क़त के मरहले से गुज़रने के बाद मुसलमानों के अंदर एक ख़ास किस्म के ईमान में मज़ीद इजाफा हुआ था आपने भी देखा होगा कि जब इंसान पर कोई दुख आता है तकलीफ़ आती है रोता है धोता है अल्लाह से फरियादें करता है तो उसके बाद क्या होता है एक तूफ़ान जब गुज़र जाता है तो एक ठहराव सा आ जाता है तो यहाँ भी मुसलमानों पर एक तूफ़ान गुजरा था एक खिलाफ तो बात हुई थी खिलाफ तो क्यों क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया था कि मैंने ख़्वाब देखा है और सबका इस बात पर ईमान और अतमाद था कि आपका ख़्वाब बिल्कुल सच्चा है और हम उम्र करने जा रहे हैं और उम्र लाजमी होगा क्योंकि छः साल से वो अल्लाह के घर पर नहीं गए थे जो कि रहने ख़ासतौर पर जो महाजरीन थे जो मक्का के रहने वाले जिनको दिन रात अल्लाह के घर जाने का काम था वो छः साल से उनको इजाज़त नहीं थी हालांकि अल्लाह के घर से मुश्किन किसी को रोक नहीं सकते थे सब के लिए खुला था लेकिन मुसलमानों के लिए बंद था तो उन्हें तो बहुत बड़ी होप हो गई कि हम जा रहे हैं और उम्र करेंगे और घर बार देखेंगे अल्लाह का घर देखेंगे तो अब वो जब पूरा नहीं हुआ तो शकुक व शुबात दिलों में आने लगे कि ये क्या बात हुई आपने तो कहा था कि ख्वाब सच्चा होगा तो आपने फिर क्या उसका जवाब दिया कि ये नहीं कहा था कि इसी साल यानी खाब तो सच्चा होगा हु? तो यानी अंदर बाहर से हिला मारे गए थे हरे एतबार से तो उसके बाद ये खुशखबरी वाली आयात वाकई इंसान के ईमान में इजाफा कर देती है हुआ राजी हो जाना चाहिए सर इससे बहुत आम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बड़ा अच्छा उसूल पता चलता है कि हम ये बात मान लें और समझ लें अच्छी तरह से कि किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते यानी अगर डिप्रेशन का शिकार हैं, या सेल्फ पिटी का शिकार हैं, या किसी के ख़िलाफ़ भी दिल में किसी भी किस्म का कोई बोगज़ है की ना है तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो हम ख़ुद होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हम कोई काम फिर सही कर नहीं सकते तो वाकई उसको लेट गो करना और दिल से निकालना इतना ज़रूरी होता है ताकि फिर आगे बढ़ सके उस जी ईमान को बढ़ाने वाली चीज़ों में जब हम तिलावत कुरान भी सुनते हैं ना तो जैसे कभी होता है कि फ्यू मिनट्स के बाद आप जैसे आपको लगता है कि अनाफ हो गया फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप रोक लें और कभी ऐसा होता है कि आपका दिल ही नहीं भरता लगता है कि वो चलती चली जाए आज सुबह मेरे साथ ऐसे इतफाक हुआ कि डिफरेंट कारी को मैंने ट्राई किया जैसे एक रेगुलर रूटीन में होता मुझे लगता है बहुत लगा कि बहुत अरसे से मैंने इनको नहीं सुना तो अब वो दिल ही नहीं चाह रहा था उनको रोकने के लिए तो मुझे लग रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों में ही जैसे आप फिर इंजॉय करना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि कम पे राजी हो जाना ना मिलने पे भी राजी हो जाना ये चीज़ ईमान में इजाफा करती है और ये सकीनत बढ़ाती है ख्वाब के बारे में बात करी थी कि हमें कभी ख्वाब आ जाए या किसी किसी को भी ख्वाब आ जाए नॉन मुस्लिम को भी ख्वाब आए तो वो उसका ईमान ख़ुद ब खुद उस तरफ चलने लग जाता है जब उस अगर उसमें कुछ किस ऐसे देखा होता है मुझे ऐसा वाक़ याद आया कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने यहाँ पे कुरान बांटे थे तो एक औरत को मैंने कुरान दिया था तो उसको जब मैं कुरान देने गई तो उसने मुझे कहा कि मैंने ब्लैक हाउस देखा है और उसने कभी नहीं देखा हुआ था काबा और, और उसके इर्द गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं यू टेल मी अबाउट इट तो मैंने उस उसी वक्त उसको कहा कि अल्लाह वॉन्ट्स यू टू कम टूवर्ड्स दिस बुक कैन स्टार्ट रीडिंग इट तो बात यह कि मैं ये कह रही हूँ कि ईमान कितना ईमान था उस वक्त कि नबी ख्वाब देखी है लेकिन इससे ये हमें भी सबक मिलता है कि हमें नहीं पता हमारी ख्वाब हम भी अगर कोई ख्वाब देखते हैं तो वो कब, आ, कब उनकी पूरी होगी।, पूरी होगी लेकिन अच्छे ख्वाब जो होते हैं वो हमेशा माशाल्लाह ईमान बढ़ाते हैं सादा सुभान अल्लाह मैं बस इस चीज़ को नोट कर रही हूँ कि इतना सटल जैसे आपने भी कनेक्ट किया वो जो इस्लाम और ईमान वाली चीज़ है कि ईमान इंसान समझ के शूर के साथ एंटर होता है लेकिन फिर उसमें सर्टन फ्रेमवर्क है जिसमें हमें फंक्शन करना होता है और वो अल्लाह ताला की कदर भी उसके अंदर है कि इंसान उसको सबमिट करे और अहकामा बाहिर समझ ना भी आ रहे हैं और वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जिसको किसी शख्स के ऊपर कोई तकलीफ आए तो वो मुझे याद कर लिया करे राइट दिस इज़ वन ऑफ द मोमेंट कि जिसमें यानी अल्लाह ताला ने आज़मा लिया एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड सेट अल्लाह यानी हिला ही देते कि नहीं जो एक जगह सेट रिजिड समझ के आए थे कि अब जाएंगे ही जाएंगे दैट टू चेंज दैट सुभान अल्लाह दैट इज़ लाइक सो अमेजिंग के यू नो हर हाल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम फ्लेक्सिबल हों कि कदर हमें कुम लगे भी कि समझ नहीं आ रही लेकिन वी से और वो तो मारूफ के नहीं समझ आ रही स्टिल वी से वी से विल विल you know, अता असल में होता ही है ना हम चाहते हैं चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक फंक्शन करें जो कि पॉसिबल नहीं साजा जी यहाँ पे सकीनत की जहाँ बात आ रही है ना उस पर हम हर रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं कि लोगों को दिल की जब सकीनत नहीं होती ना दिल इतमान में नहीं होता तो यू नो लाइक ख़ुदकुशी भी इसीलिए करते हैं भाग भी इसीलिए जाते हैं दुनिया को छोड़ने के लिए फ़ैसला कर लेते हैं क्योंकि वो स्केप लेते हैं दिल में इनके पास पैसा इतना होता है हर किस्म का वसाइल होता है कि वो uh, मसाज करा लें रिलैक्सेशन पे जाएं रिजोर्ट्स पे जाएं, बड़ा बहुत कुछ करते हैं बट स्टिल दे फील लाइक कंटेंटमेंट नहीं है वो दिल की सकीनत और वो यहाँ पे आपने जब बताया ना कि जब इंसान अल्लाह के फैसले पे राजी होता है और जब तभी सकीनत मिलती है, जब दो है हाँ। एक अल्लाह के फैसलों पे राजी होना और एक अल्लाह के अहकाम पर चलते जाना चाहे मर्जी के खिलाफ तो मुझे लगता है शायद ये दो ही चीज़ों दोनों दो चीजें मिसिंग है वहाँ क्योंकि हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे चल रहे हैं और जो होता है तो वाय वायर कहीं भी चैन नहीं नंबर फाइव लियुदल्म मनी नवलमु मना तन्नातिन तजरी तहतार ख़ालिदीन अफ़ीहा वफफ़िर हम सै आतम वकान अदाल फौजन अज़ीम ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उन बाग़ों में दाखिल करें जिन के नीचे से नहरें चलती हैं हमेशा उनमें रहने वाले और उन से उनकी बुराइयाँ दूर करे और ये हमेशा से अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है यानी अल्लाह सुबहान तै का मोमिनों से क्या वादा है और ख़ास तौर पर इस सुलह में जो आ, इस सफ़र में जो लोग शरीक थे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के बाग़ों में दाखिल करेगा और उनके लिए जन्नत की खुशखबरी भी थी और उनकी लफजिशें उनसे दूर कर देगा उनकी बुराइयाँ उनसे दूर कर देगा यानी उनके बुरे अमाल मिटा देगा जो उन्होंने किए और उन पर उनको सज़ा नहीं देगा और फिर ये कि हर गम से निजात मिल जाएगी और जो मकसद है ज़िंदगी का उसमें कामयाब हो जाएंगे और यही असल में बड़ी कामयाबी है यानि अल्लाह ने इस फतह को मुकद्दर किया ताकि यानि ये फ़तह ये सलाह उदाबिया इसलिए वाक़ में यानि वजूद में आया ताकि इसके नतीजे में जो एक इम्तिहान आया और जिस कैफ़ियत से वो गुजरे और उस पर जो सब्र किया गया उसके नतीजे में अल्लाह ताला फिर उनको जजा भी दे और वो जजा क्या है जन्नात की शक्ल में ख़ूबसूरत मंजर वाले बागात जिन के नीचे से नहरें बहती हैं जिन में वो हमेशा रहेंगे दायमी ज़िंदगी और नाकाबले बयान खुशी दुनिया में इंसान को ये सब कुछ मिल जाए ना तो थोड़ी देर के बाद इन्हीं चीज़ों से उकता जाता है लेकिन जन्नत का मज़ा ये है कि ये चीज़ें पाकर कर उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी यानी खुशी ख़त्म नहीं होगी कोई बोरियत नहीं होगी ये जन्नत की बहुत बड़ी क्वालिटी है और फिर यह भी कि जन्नत में भेज कर उनको साफ कर देगा उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा और उनकी गलतियों को मिटा देगा यू कफ अनहम सयातम क्योंकि बाजूत आपको कोई नमत मिल भी जाती है या कोई इनाम मिल जाता है आ, तो भी आपके अंदर एक किसी न किसी दर्जे की रिग्रेट रहती है कि काश मैं ये भी कर लेता मैंने वो क्यों ना किया ये क्यों हो गया यानी ऐसे ख्याल इंसान को कहीं ना कहीं से सताते रहते हैं पीछे से लेकिन जन्नत में जा ये सब कुछ मिटा दिया जाएगा उनके उनके हाफजे से भी और उनसे ताकि वो पूरी तरह इंजॉय कर सके यानी इंसान की जो गलतियाँ होती हैं या जो इंसान के गुनाह होते हैं या इंसान की ज्यादतियाँ होती हैं वो उसके भले वक्तों में उसकी खुशी के लम्हों में भी उसको खुश नहीं होने देती तो ये बहुत बड़ी बशारत थी वकान व कानिका इंद लाही फौज नजीमा और अल्लाह के नज़दीक ये हमेशा से बहुत बड़ी कामयाबी है ऐसी खुश नसीबी कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं जो ईमान वालों की तमन्नाओं की इंतहा है नारी व उद खिलजन्नत फ़कदफ सूरत इमरान में आता है जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो यक़ी वह कामयाब हो गया तो फतेह के नतीजे में हासिल होने वाले ये सारे ही सम्रात हैं यानी इस इस मौके और इस आजमाइश के बाद मालिक कहते हैं कि आप हुदैबिया से वापस आ रहे थे तो साहबा पर गम और परेशानी के आसार थे उन्हें हुदैबिया में अपने जानवर कुर्बान करने पड़े थे इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई इन्ना फताह लका फतह मुबीना आखिर तक और फिर उसके बाद साहबा ने कहा कि यानी जब आपने कहा ना कि मुझे ऐसी आयत आज उतरी है जो सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है तो साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल तहकीक हमने जान लिया जो आपके साथ किया गया यानी आपको इनाम मिला और जो हमारे साथ किया गया उसके बारे में क्या हुक्म है <laughs> तो उस पर यह आयत नाजिल हुई लियुदल अलमोमिनमोमिनत जन्नात यानी इस आजमाइश से गुजरने के बाद मोमिनों के लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं उसमें हमेशा रहेंगे और उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर दी जाएंगी और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है इससे आम जिंदगी का सबक क्या मिलता है कि एक तो अल्लाह के रास्ते में जो मुश्किल आए अल्लाह के दीन पर चलने की वजह से का ऐसा होता है ना कि आपके घर गर, घरेलू हालात आपके सारी ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही होती है जो ही आप दीन की तरफ आने लगते हैं मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं और आप सब्र किए जाते हैं किए जाते हैं कि तो फिर आप सोचते हैं मेरे लिए क्या है तो मेरे लिए फिर इन जन्नत है अगर इस चीज़ पर सब्र के साथ और अल्लाह की रजा समझ के एक्सेप्ट कर लिया और अपना रास्ता ना छोड़ा आप शायला कुछ करिए वही कब फिर आन हम सही आते हैं तो अभी जैसे आपने फ़रमाया ना कि रिग्रेट्स होते हैं इंसान कुछ करता है तो अभी अभी ये लोग फिर नाफरमानी भी करके आए थे ना नब रसूल्ला के तो मुझे लगा कि उसकी माफ़ी का भी फ़ौरन ही ने कहा कि वो रिग्रेट भी दिल से निकाल दो वो भी माफ़ हो गए क्योंकि हज़र उमर रजी अल्लाह जो थे उन्होंने वापस पहुँच के बड़े बड़े सदके किए थे और हमेशा इस पर इस्तार करते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल वसलम को क्यों कहा क्योंकि तीन दफ़ा उन्होंने कहा आफतन हो क्या ये वाकई पता है क्या ये वाकई पता है क्या ये वाकई पता है अक्सर बहुत चीज़ें आ, आ, समझ में नहीं आ रही होती काफ़ी अरसे के बाद समझ में आती हैं लेकिन कुछ इतने शदीद चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं कि वो आपसे बर्दाश्त हो नहीं रही होती ना ही उनकी कोई अपेरेंट रीज़न नज़र आ रही होती है तो रजा तो है अल्लाह ने जो किया है उससे राज़ी लेकिन जब वो बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और आप दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा तो वो एक अल्लाह दिल में भी उसकी मसलहतें भी डाल देता है कि अच्छा है इस वजह से ये चीज़ इस वजह से बिल्कुल यानी कि वो चीज़ें समझ बसरत नसीब हो जाती है वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं वही बलमुनाफिक वल मुनाफिक वलमशरक़ीन वलमशरक़ात न सऊ अलदातसऊ वल वन वम जहन्नमत मसीरा और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मशरक मर्दों और मशरक औरतों को सजा दे जो अल्लाह के बारे में गुमान करने वाले हैं और नबिल्लाउ बुरा गुमान उन्ही पर बुरी गर्दिश है और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार की और वो लौटने की बहुत बुरी जगह है यहाँ अल्लाह के साथ बुरा गुमान करने वालों के बारे में बताया जा रहा है मर्दों और औरतों और के बारे में चाहे मुनाफे हैं ये मुशरिक के अल्लाह उनको अजाब देगा और अल्लाह उनसे नाराज़ है उनका दायरा तंग किया जाएगा उन पर लानत है उनके लिए जहन्म है बदतरीन ठिकाना ये क्या बदगुमानी थी जो वो करते थे वो ये मुनाफ़ ये समझते थे कि अल्लाह नबी अलैहि वसल्लम और मोमिनों की उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद नहीं करेगा इसीलिए तो वो कोई भी इस उम्र के सफ़र में शरीक नहीं हुआ था उनका ख्याल ये था कि ये दीन कभी गालिब नहीं होगा तो ऐसे लोगों पर दुनिया में ही अजाब का एक सर्कल चलता रहता है जो उनको तकलीफ़ देता और दुख पहुंचाने वाली चीज़ होती है तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब है अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से निकाल दिया है और उनके लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है तो ये जो जन्नत सऊ है ना ये एक बहुत बुरी चीज़ है अल्लाह की रहमत से मायूस होना कि अल्लाह मेरी मदद कभी नहीं करता कभी नहीं करेगा अल्लाह तो ये मेरे हालात नहीं ठीक करेगा ये तो नहीं होने वाला इस तरह की बातें करना और सोचना जो है ये बुरा गुमान है फतह में आगे इस गुमान की वजाहत भी कर दी गई बल जन तुम अल्लाई अनकलबर रसूल वमूना अला अहलिम अबदा बल्कि तुमने गुमान किया कि रसूल और ईमान वाले कभी अपने घरों में वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि वो असले के बगैर जा रहे थे और दुश्मनों के गढ़ में जा रहे थे तो उनको ये था कि ये तो गए तो ये तो पकड़े जाएंगे उधर ही ख़त्म हो जाएंगे उन्होंने वापस कोई नहीं आना तो इस बुरे गुमान पर उनकी पकड़ की गई यानी उन्होंने अल्लाह के बारे में बदगुमानी की अल्लाह के रसूल के बारे में बदगुमानी की मोमिनों के बारे में बदगुमानी की तो ये जो बदगुमानियाँ हैं ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये इंसान को तबाह करने वाली होती है और जो ऐसी थिंकिंग का शिकार होता है वो उसी सर्कल में घूमता रहता है उस यानी कि ये जो अलहम दायरा यानी वो चीज़ उसी के लिए परेशानी बनकर उसके दिमाग में घूमती रहती है दायरा कहते हैं ना किसी चीज़ के साथ गोल लकीर खींचना यानी वो उस विशेष सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते और ये अमूमन तकलीफ़ों और मुसीबतों के लिए इस्तेमाल होती है दायरा गर्दिश के मानों में भी आता है कहते हैं ना बुरी गर्दिश है और ये दायरा तो सौ अरबी में बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है यानी उनके खिलाफ तबाही और बर्बादी की दुआ है जो अल्लाह के बारे में बदगुमानी करते हैं और उन पर अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से निकाल दिया है और जिस पे अल्लाह लानत करे फिर उसका कोई मददगार नहीं होता उन पे अल्लाह की लानत है और अगर उन पे अल्लाह की लानत पड़ गई है तो अब उनको उससे कोई निकाल नहीं हुआ मई अल अनु फलन तजु नसीरा और वैसे भी जो जहन्नम में जाए तो उसके लिए रसवाई ही रसवाई है रब बना कमन तुद खिल्नारा फ़क्त अखजईता ए हमारे रब बिला शुबा तू जिसे आग में डाल दे तो यकीन तूने उसको रसवा कर दिया तो मुनाफिक जो थे वो पहले भी जहाद पे जाने से कतराते थे और जब मुसलमानों को फतह होती तो उनको बुरी लगती और यहाँ भी जो ये सूरत नाजिल हुई तो ये उनके लिए एक ख़ुशी की बात थी मोमिनों के लिए तो ख़ुशी की बात थी लेकिन उनके लिए एक अज़ाब की बात थी एक तकलीफ़ की बात थी तो इससे ये पता चलता है कि इंसान जब अल्लाह की इतात नहीं करता अल्लाह के आगे नहीं झुकता अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल नहीं करता अल्लाह की फरमाबरदारी बरदारी और बंदगी नहीं करता और उसके और क्यों नहीं करता दुनिया की मोहब्बत की वजह से अपने आप को बचाने की वजह से या दुनिया के फ़ायदों के लिए तो फिर दुनिया में ही उसके ऊपर उसका बबाल आ जाता है अब मुनाफिक जहाँ कभी जिहाद के लिए नहीं जाते थे उम्र इस उम्र पर भी नहीं गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मशरक क्योंकि पीछे पीछे चाल इनकी साजिशें थी ना और आपस में दोस्तियाँ थी तो वो नहीं चाहते थे कि मुशीन देखें कि अच्छा ये तो इनके इनके साथ मिल के उमरे के लिए आ गए हैं और ये मुसलमानों के साथ भी इनकी साज बाज है तो वो अपने आप को बचाने के लिए घर ही बैठे रहे और उनका ख्याल ये था कि मशीन जो हैं वो मुसलमानों को मक्का से निकाल बाहर करेंगे और इनके बुरा बुरा वक्त इन पे आने वाला है लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद उन्हीं पे पलटा और मुसलमानों का इस सुला के साथ वापस लौटना और फिर इस सूरत का नाजिल होना उनके लिए बाऐसे मुसीबत बन गया वलिल्ला ही सॉरी तिलावत السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض वकान अल्लाह अजीज़ हकीम और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन के लश्कर हैं और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है पीछे भी जुनूद की बात हुई यहाँ दोबारा जुनूद की बात हुई कि ऐसे लश्कर जिनके साथ अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करता है और अल्लाह अपनी मखलूक पर गालिब है कान अल्ला अजीज़ वहाँ अलीम था और हकीमा और बेहतरीन तदबीर करने वाला है है उसके कामों में ये तकरार क्यों आई है यानी दूसरी दफ़ा जनूद की बात क्यों आई है ताकि बंदे इस हकीकत को जान लें कि असल इज़्ज़त जिल्लत कामयाबी ये सब अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह सुबहान ही अपने बंदों को कामयाबी से हमकिनार करने वाला है वकान अल्लाह अजीज़न और अल्लाह सुबहान तालिब है अपने दुश्मन से इंतकाम लेने में ताकतवर है अपनी सल्तनत में अपने मुल्क में अपनी हुकूमत और बादशाहत में गालिब है कोई उसको नुकसान नहीं दे सकता और उसके सारे फैसले जो हैं वो पर मबनी है इन्ना और सलना का शाहिदम व मुबशरम व नजीरा बेशक हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि से खिताब है कि ए रसूल हमने आपको आपकी उम्मत के लिए दीन की तबलीग की गवाही देने वाला बनाकर भेजा रसालत देकर भेजा रिसालत की वजाहत करने वाला बनाकर भेजा जो इतात करें उनके लिए खुशखबरी देने वाला और जो नाफरमानी करें उनको दुनियावी और उखरवी अजाब से डराने वाला बना के भेजा है तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने के मकासद बताए गए हैं। हैंत गर्ज गायत बता दी गई है कि आपको क्यों भेजा गया है और शाहिद का एक मना यह भी किया गया कि आप, आपकी उम्मत जो नेकी अबदी करती है आप उस पर गवाह हैं और एक माना यह किया गया कि आप हक जाहिर करने वाले हैं शाह ने इसका तर्जमा किया है इजहार इजहार करने गवाह होंगे व कदा कलना कुम उमतन वसतन शहदा व यकून रसूल शहीदा और इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो और रसूल तुम पर शहादत देने वाला बने और फिर सूरत निसा की हुआ जिस पर आप बहुत रोए भी थे फ़कईफ मिन कुल मिनकुल्लमतिन बिशहीदिन शहीदिन व जना बला शहीदा तो बहर अलिए भी आपकी रिस्पांसिबिलिटीज़ में से एक था और उसके साथ साथ मुबशर खुशखबरी देने वाला और नज़ीर अल्लाह के अजाब से डराने वाला तो ये दो सिफात को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया अगर से तीन सिफ़ात हैं लेकिन यहाँ दो सिफ़ात बशिरम व नज़ीरा तौर पर इकट्ठी आती है ताकि लोगों को एक तरफ रगबत भी हो नेक काम करने की और दूसरी तरफ गुनाह करने से डर भी लगे सूरत अलहज़ाब में भी आता है या नबी अयुनबी युना अरसना का शाहिद अम व मुबशरम व नज़ीरा ए नबी सल वसम बेशक हमने आपको गवाही देने वाला खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा और सूरत मरियम में आता फ आतामा यसरना बिलिस निकली तुबीन व तुंद रही तो हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया ताकि इसके जरिए आप मुत्त लोगों को खुशखबरी दें और उन लोगों को डराएं जो सख्त झगड़ालू हैं तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बशारतें दी हैं जैसे ला लाला ला ला पढ़ने पर बशारत दी है इतात करने वाले के लिए बशारत है मन अतानी दख़ल अल जन्ना फ़रज़ की अदायगी करने वाले के लिए बशारत है जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह पर हक़ है कि वह उसे जन्नत में दाखिल करे फिर इसी तरह नमाजों की हिफाजत करने वाले के लिए बशारत दी गई वज़ू के बाद दो नफल पढ़ने वाले के लिए बशारत है जिसको तहियतलवू कर कहते हैं रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो कोई वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे फिर दो रकतें पढ़े और वो अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज रहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई फिर कसरत से सजदे करने वाले के लिए बशारत है वो याद होगा वो जो आपके गुलाम थे जिन्होंने कहा कि मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ तो आपने फरमाया कि तुम फिर कसरत से सजदे करो दिन में बारह रकत सुन्नत पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत है कि उसके लिए जन्नत में एक घर बनेगा चार रकतें जहर से पहले दो बाद में दो रकत मगरिब के बाद दो इशा के बाद दो फजर से पहले यानी फजर की नमाज़ से पहले जो फर्ज से पहले अजान का जवाब देने वाले के लिए बशारत है फरमाया जो शख्स बिलाल के कहे हुए कलिमात की तरह यकीन कल्ब के साथ ये कलिमात कहे यानी जो मुअज्जिन कह रहा है उसके यकीन के साथ वो दोहराए तो वो जन्नत में दाखिल होगा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत है अल्लाह के निन्वे नाम याद करने वाले के लिए बशारत है मन दखल अल जन्ना सदका करने वाले के लिए बशारत है जिसने अल्लाह की राह में एक जोड़ा खर्च किया उसको जन्नत के हर दरवाजे से खजानची बुलाएंगे और कहेंगे अ फुला आओ यानी कोई भी चीज़ दे तो दो दो करके दे फिर इसी तरह जिसने रास्ते से पत्थर हटाया उसके लिए नेकी लिख दी गई और जिसके लिए नेकी लिख दी गई वह जन्नत में दाखिल हुआ मस्जिद बनाने वाले के लिए बशारत है खाना खिलाने वाले के लिए बशारत है कबीरा गुनाहों से बचने वाले के लिए बशारत है मुंह और शर्मगा की हिफाजत करने वाले के लिए बशारत है शोहर की इतात करने वाली औरत के लिए जन्नत की बशारत है अच्छा अखलाक अपनाने वाले के लिए जन्नत की बशारत है कि मैं उस जन्नत के किनारे पे घर का जामिन हूँ जो झगड़ा छोड़ दे चाहे वो हक पर हो जो मज़ाह में भी झूठ छोड़ दे उसके लिए जन्नत के दरमियान में घर की जमानत और जिसने अच्छा अखलाक अपना लिया उसके लिए जन्नत के अला मनाजिल में घर का जामिन तो अच्छे अखलाक के लिए कितनी बशारत है फिर इसी तरह आपने फरमाया अच्छे चीज़ों की जमानत दो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे जमानत देता हूँ बात करो तो सच करो वादा करो तो पूरा करो अमानत दार जाओ तो हक अदा करो शर्मगाहों की हिफाजत करो नज़रों को बचाओ अपने हाथ को रोक लो फिर आजमाइश पर सब्र करने वाले के लिए जन्नत है जिसकी आंखें चली जाएं यानी निगाह चली जाए और वो उस पर सब्र करे इसी तरह आपने इंज़ार भी किया नज़ीरा भी है डराया भी है शिरक करने वाले के लिए कि जो इस हाल में फ़ौत हुआ कि वो शिरक करता होगा वो आग में दाखिल होगा बेनमाजी के लिए फरमाया जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह के ज़िम्मा में है तो तुम में से किसी से अल्लाह किसी चीज़ के साथ अपने ज़िम्मा का मुलाबा न करे कि अल्लाह उसको पकड़ेगा और उसे जहन्नम की आग में उंधा कर देगा ज़कात न देने वाले के लिए इंतज़ार है कि वो जह आक आमत के दिन आग में होगा क़त रहमी करने वाले के लिए जो तीन दिन अपने भाई को छोड़े रखे सलाम कलाम न करे और इसी हाल में मर जाए तो उसके लिए आग है वालदेन के, के नाफरमान के लिए इंसार है कि अल्लाह ताला उनकी तरफ़ देखेगा भी नहीं जो वालदान का नाफरमान है जो आदि शराबी है जो दे के एहसान जताए लोगों के हक मारने वाले के लिए डरावा है बदजबान इंसान के लिए लोगों की इज्जत व आबरू पामाल करने वाले की बदतमीजी बद, बद अखलाकी करने वाले की झूठ बोलने वाले के लिए धोखा देने वाले के लिए गीबत करने वाले के लिए, लिए इंजार है ये दो कबरों के पास से आप गुजरे थे तो आपने फरमाया कि इनको अजाब हो रहा है और कि, किस वजह से उनमें से एक जो था वो गीबत करता था फिर हराम खाने वाले के लिए फरमाया काब बिनुजरा, वो गोश्त और खून जो जन, वो ज, वो गोश्त और खून जन्नत में दाखिल ना होगा जो सूत पे पला बड़ा हो और जहन्नम का ज्यादा मुस्तक है रसूल ही व तो अजि हो वह तो वकीू हो वह तो सब् बकरला ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो और दिन के शुरू और आखिर में उस यानि अल्लाह की तस्बीह करो बास कहते हैं ये और तोिरु भी सब अल्लाह की तरफ जाता है और बाज ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल पर ईमान लाकर उसकी मदद और ताज़ीम और अल्लाह पर ईमान लाकर उसकी तस्बीह। यानी जो रसूल शाहिद है मुबर है नवीर है फिर तुम क्या करो उस पर ईमान लाओ और उसकी तो तो उसकी तज़ीम करो और तो़ीर का लफ्फ़ से है इज़्ज़त करो यानी तो अज़रु कहते हैं असल में किसी साहिब मरतबा के मरतबे को मलहूज़ रखना उसके मुनाफी कोई बात ना कहना और तवक़िर में एहतराम करना तो हम पर अल्लाह के रसूल की ताज़ीम लाज़िम है इसीलिए गुस्ाखे रसूल की इतनी बड़ी सज़ा बताई गई है तो इन दो लफ्ज़ों के दरमियान कुछ फ़र्क भी बताया गया है तोज़रु के बारे में बाज़ कहते हैं इसका मतलब एहतराम और ताज़ीम है इब्ने अब्बास कहते हैं इसका मतलब एहतराम करना है और तविरु का मतलब ताज़ीम करना है कुछ दूसरे कहते हैं कि तोज्रू का मतलब आपकी मदद करना है और तविरु का मतलब आपकी अजमत को उजागर करना है आपकी अजमत का बयान करना आपकी शान बयान करना कतादा कहते हैं तो रू का मतलब है कि वो आपकी मदद करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तविरु का मतलब है कि आपको सरदार तस्लीम करें आपकी शान को उजागर करें और जो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाता है तो उसका मतलब है अल्लाह की इतात करना उसी में अल्लाह का एहतराम है ना, और हो तस्बी अल्लाह को हर नक से पाक करार देना और बकरा व असीला सुबह और शाम बकर दिन के का शुरू का हिस्सा और असील शाम का हिस्सा और इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ दो किनारों पर बल्कि जब दो किनारों पर किया तो बीच का हिस्सा खुद ही आ जाएगा दिन में भी इंसान तस्बी करता रहे तो तो सबसे पहले तो ईमान का हुक्म दिया गया है क्योंकि अगर ईमान नहीं तो बाकी चीजों का फायदा नहीं और ईमान ही सबसे अफसल अमल है इंसान के नाम अमाल में अजाब अलीम से बचाने वाली तिजारत है जन्नत में ले जाने वाला अमल है

को आपकी सीरत को लोगों तक पहुंचा के आपके दीन की दावत देकर जो आप दीन लेकर आए आपकी अहदीस का दिफा करके आपके दीन की खातिर जान माल कुर्बान करके आपकी सीरत पर चल के ना सिर्फ ये कि दूसरों को बताया जाए बल्कि लक़त खानलकूम फी रसूल लास्व हसना और यह कि किसी मामले में आपकी मुखालफत ना की जाए ये अदब के ख़िलाफ़ है आपकी सुन्नत से बेरगबती ना जाहिर की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं अब बकर कहते हैं मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जिस पर रसूल अमल करते थे मगर ये कि मैं उस पर अमल ना करूं मैं हर उस चीज़ पर अमल करूंगा जिस पर आपने अमल किया बेशक मैं डरता हूं कि अगर मैंने आपका तरीका छोड़ दिया तो मैं सीधे रस्ते से भटक जाऊंगा यह बुखारी की रिवायत है यह आज़ात बकर का तर्ज अमल है तो उनहाबा ने किस तरह आपकी मदद की और किस तरह आपका अदब एहतराम और तज़ीम की फिर हमें क्या करना चाहिए यानि आप सल्ला वल्म की तोीर में भी जो चीज़ें आती हैं आगे सूरत हजरात में मज़ीद वज़ाहत आएगी कि आपकी आवाज़ से आवाज़ बुलंद ना की जाए आपकी राय के ऊपर अपनी राय ना दी जाए आपकी मस्जिद में आवाज़ बुलंद न की जाए मजलिस हदीस का अदब किया जाए सहाबा इस तरह बैठते थे आपकी मजलिस में गोया सरों पर परिंदे बैठे हों आपकी बात सुनकर आपकी हदीस सुनकर आगे से हजतबाजी न की जाए बल्कि अगर सही रिवायत के साथ कोई चीज़ साबित है अगर समझ नहीं आती तो भी इंसान समझने की कोशिश करे लेकिन उसका मजाक ना उड़ाए और जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक है तो सूरत अजाब में भी आता है या योलदीन आमन अस्कुर व ईमान अल्लाह को बकसरत याद करो करो सुबह शाम उसकी करो। इस सबसे अफजल अमल है आपने फरमाया जो शख्स सुबह शाम सौ मरतबा सुबह ही पढ़ता है क्यामत के दिन कोई उससे ज्यादा अफजल अमल नहीं ला सकता सिवाय उसके जिसने इसके बराबर इससे ज्यादा पढ़ाओ एक और रिवायत में आता है जो इस तरह पढ़े तो उसके बराबर मखलूक में किसी का दर्जा नहीं हो सकता फरमाया जिसने सूरज तुलू होने और गरूब होने से कबल सौ बार सुबह सुभा, सुबहान अल्लाह कहा तो यह इसके लिए सौ ऊंटों से बेहतर है इतना बड़ा खजाना है ये एक और रिवायत में आता है कि सौ मरतबा अल्ला कहना सौ गुलाम आजाद करने से अफसल है और बदनसीब है वो लोग जो सुबह अल्लाह का जिक्र नहीं करते और उसकी तस्वीर नहीं करते لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله फोकम फी अजरन आजीम बेशक वह लोग जो तुझसे बात करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ही से बात करते हैं अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है फिर जिसने अहद तोड़ा तो दर हकीकत वह अपनी ही जान पे अहद तोड़ता है और जिसने वो बात पूरी की जिस पर उसने अल्लाह से अहद किया था तो वो उसे जल्द ही बहुत बड़ा आजर देगा यानी ए नबी अलैहि वसल्लम बेशक वो लोग जिन्होंने हुदैबिया के मकाम पर आप के हाथ पर जंग करने की बात की दरअसल उन्होंने अल्लाह से बात की उन्होंने अल्लाह की जन्नत और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह के साथ मुआदा किया उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था कैसे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन अल्लाह इतनी बड़ी इज़्ज़त बख्शी उन लोगों को कि उनके हाथों पर अपना हाथ रखा और जो इस अहद को तोड़ दे तो फिर उसका वबाल उसके अपने ऊपर ही पड़ेगा यानी उसने बहुत बड़ी शहादत से अपने आप को महरूम किया ये जिस बैत की तरफ यहाँ इशारा है उसको बेत रिजवान कहा जाता है इसमें साहब कराम ने रसूल सल्लाम से बैत की थी कि वो आपको छोड़कर फरार नहीं होंगे और ये हजरत उस्मान रजी की शहादत की खबर सुनकर क्योंकि जब मुख्तल लोग आ और जा रहे थे क्रैश और मुसलमानों के दरमियान बातचीत के लिए तो बात कहीं पहुँच नहीं रही थी तो आपने फिर अपनी तरफ से सेमान को मक्का भेजा था उनके आने में कुछ देर हो गई थी तो खबर मशहूर हो गई कि आप शहीद हो गए तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व्म ने उनके खून का इंतकाम लेने के लिए सबसे अहद लिया था कि अब यहाँ पर हम जंग करेंगे तो बहरहाल तमाम लोग जितने भी वहाँ गए थे सब ने बात की और एक सहाबी के बारे में आता है जद बिन खयास के बारे में कि वो इरादे कमज़ोर इरादे के मालिक थे तो वो अपने ऊँट के पीछे छुप गए यहाँ तक कि बाकी लोगों ने बात की तो फिर तो हज़रत उस्मान हज़रतमान रज़ील तहो मौजूद नहीं थे वो तो मक्का में थे तो उन्होंने भी बात नहीं की थी तो आप सल्लम ने अपना दाया हाथ बाएं हाथ पर रखते हुए फरमाया कि यह स्मान का हाथ है और उनकी तरफ से बात की थी और बाकी सब के बारे में आता है या फौका हिम अब अल्लाह का हाथ इस पर भी मान लाना जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला की सिफात में से है लेकिन वो हाथ कैसा है अल्लाह आलम लई सकम शैउन ही शयन वह और एक और बात ये पता चलती है यहाँ से कि इंसान को अल्लाह के साथ किए हुए कमिटमेंट अल्लाह के साथ किए हुए वादे तोड़ने नहीं चाहिए पूरे करने चाहिए जो बात अपनी ज़बान से इंसान निकाले उसको फिर पूरा करे वमन मन अवफ़ा बिमा अद अल्लाह यानी जो अल्लाह से किए हुए को पूरा करेगा फ़सा यजरनाजीमा तो अल्लाह ताल उनको अजर अजीम अदा करेगा वह आता है ना अनशरा अनफाबाअा बल्जन्ना यूनफ़ी सबी फ़िलुकल वादन हक़ा फ़ितन वादन अलहि यानी कि यह अल्लाह का वादा है हा? कि अल्लाह तुन को अदरज़ीम अता करेगा तो बैत रजवान जो है ये तारीख के का एक मशहूर वाक़ है और इसमें कहा जाता है कि चौदह या पंद्रह सौ लोग जो सारे गए थे उन्होंने ये बात की थी और ये मौत पर बैत थी कि हम अपनी जान दे, दे देंगे हम मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं और सबसे पहले और तीन दफ़ा बैत करने वाले साहबी जो थे उनका भी जिक्र यहाँ पर आता है सलमा रज़ी अल्लाह तन कहते हैं कि मैंने तीन बार बात की थी नबी वसल्लम से तो बहरहाल ये सूरत जो है ये मुसलमानों के लिए खुशखबरी का बायस है और आ, मुश्किल हालात से गुजरने के बाद यानी एक साल पहले ही अहबाब के मौके पर जुल ज़िलज़ालन जालन शदीदा हुआ था और फिर अब अगले साल ये मरहला पेश आ गया इन सारे हालात को ये वन आफ्टर दी दर यानी परेशानियाँ और दुख और तकलीफें देख देख कर भी फिर दिन पर जमे रहना फिर भी फिर भी जान देने पर आखिरी काम किया हुआ जान देने पर राज़ी हो गए तो फिर ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरियाँ क्यों ना हो और उनके लिए अल्लाह के वादे क्यों ना हो और अल्लाह उनसे राज़ी क्यों ना हो आगे रज़ा की बात भी इस सूरत में आएगी लक़दरद ही अल्लाह अन मोमिन इस ना, का तहत शरा तो अल्लाह ने फिर फतेह का भी वादा किया और अंजाम का वादा भी किया और फिर नबी सल अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे की भी अहमियत वाजे की गई और फिर उसके बाद यानी एक यानी जो सीखने का सबक है वो ये कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कुशादगी की उम्मीद रखे उम्मीद ना छोड़े होपफुल रहे पॉजिटिव रहे नहीं इसमें भी खैर है और आइंदा खैर ही होगी और फिर यह है कि लड़ाई की बनस्बत सुलह में फ़ायदे ज़्यादा हैं फिर यह सबक मिलता है कि गम के साथ आसानी भी होती है तो मे शदीद गम का शिकार हुए थे लेकिन उसके बाद अल्लाह सुबहान तला ने की भलाइयों के दरवाजे खुल गए फिर ये पता चलता है नयात से कि गुनाहों की मफफरत के लिए दीन पे साबित कदम रहना जरूरी है फिर यह कि अल्लाह की रहमत से ही इंसान खैर वरकत हासिल कर सकता है वह दिया कसरातम मुस्तकीमा और यह हकी मददगार सिर्फ अल्लाह है वही नजीजा। आज़माइशों में उसी हिसाब से सुकून मिलता है जितना ईमान ज्यादा होता है। साबित कदमी जो है वो अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है और ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे ईमान बढ़ता रहे ऐसे मजालस में शिरकत ऐसे लोगों से मुलाकात ऐसे कामों में हिस्सा लेना कि जिससे ईमान बढ़े क्योंकि ईमान जब एक जगह नहीं रहता या ऊपर जाता ही नीचे जाता अगर आप ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा जिससे अमल और ख़राब होगा और यह कि यकीन यकी जो है वो ईमान का सबसे बुलंद दर्जा है और अल्लाह के लश्कर हैं एक और बात यह पता चलती है कि ज़मीन व आसमान में अल्लाह के लश्कर हैं अल्लाह सुबहान तब जिसकी मदद करना चाहता है तो वो अपने लश्करों में से किसी लश्कर को दुश्मनों पर मुसलत कर देता है और लश्करों से मुझे याद आया कि ये जो करोना वायरस है ये भी अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जिसने सबको बिठा दिया है और हर मामले के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई होती है इसलिए बेसब्रापन नहीं ठीक फिर ये कि दुनिया में खुशियों की तलाश में ना रहे असल ख़ुशियाँ जन्नत में हैं दायमी ख़ुशियाँ वहीं हैं फिर यह कि अल्लाह के साथ हमेशा अच्छा गुमान रखें, अल्लाह के साथ बदगुमानी निफाक का एक हिस्सा है और उसका अंजाम बुरा है अल्लाह से अच्छा गुमान रखने में खैर बरकत मिलती है फिर यह बात भी पता चलती है कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता फिर यह कि अल्लाह की इतात करने वाले के लिए इज्जत और गलबा है फिर यह कि अल्लाह बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक होता है पर यह कि रसूल अल्लाह सल्ला व तज़ीम वाजिब है पर यह कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए जब इंसान करता है तो अल्लाह की मदद आती है ये फोक़ायदी हूँ अल्लाह की खातिर खालिश होकर उन्होंने बैत की थी तो अल्लाह ने इतना बड़ा शरफ़ अता कियाहद तोड़ना इंसान के अपने लिए नुकसानदेह होता है फमन न का सफ़ा इन्ना मायन कसोलानब से तीन चीज़ों का वबाल जो है इंसान की अपनी जान पर पड़ता है किसी के खिलाफ चाल चलना सरकशी करना अहद तोड़ना वला यही इल्ला मकर और इन नगयियो कोलानफ सिकु फमन्ना कसप कुस वही अलान सिख फिर यह कि जहन्नम की आग जो है वो बढ़ाई जा चुकी भड़काई जा चुकी है है वो फिर ये कि अगर दुश्मनों से अगर मुसलमानों का फायदा हो तो दुश्मनों से सुलह करने का जवाब है इसमें फिर यह है कि जब इंसान सुलह के टर्म्स पर यानी अगर कम अपने हिस्से में कमी करके सुलह कर भी लेता है तो उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं अमन के वक्त इंसान और बहुत से मुफीद काम कर सकता है दावत दीन का काम आसान हो जाता है इस्लाम दूर दूर तक जैसे फतेह मक्का के बाद फैला दीगर लोग इस्लाम को समझने का उनको मौका मिल जाता है सुलह का असल मकसद अमन कायम करना होता है और मसलत और हिकमत के तहत मामला करना है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वल् सहाबा पर अपनी राय मुसलत नहीं करते थे उनसे मशवरा लिया करते थे फिर औरतों से मशवरा करने का जवाब भी है इसमें किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्म ने हज़रत से मशवरा किया और भी बहुत से सबक हैं सीखने के फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है ही मुझे उस साहित से वो आ रहा था जिसमे सकीना की बात की और ईमान की बात की तो मैं ये देख रही थी आजकल जैसे हमें पता है कराची के जो हालात हुए हैं तो देखने में ये आता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा आसानियों में रहने का आदि हो जाता है तो उसका ईमान ज़्यादा होने की बजाय कम होता शुरू हो जाता है और जिस वक्त उस पर कोई ज़रा सी मुश्किल आती है जैसे अब मेरी बातचीत हो रही है जो पाकिस्तान में लोगों के साथ तो उस वक्त उनको ऐसे लग रहा है कि जिनके हालात माशाल्लाह के ऐसे हैं कि अच्छे भी हैं लाइक अब वो दोबारा घर बिल्कुल डूब चुके हैं जाहिर बात है ऊपर शिफ्ट होना पड़ा है लोगों को अपने घरों में लेकिन मेरी यही बात हो रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऊपर शिफ्ट हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आपके बिकॉज ये भी है कि अल्लाह ने इतनी रिसोर्सेज दी हैं कि आप उन सब चीज़ों को दोबारा रिक कर सकते हैं जो चीज़ें ख़राब हुई सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उस वक्त ऐसे लग रहे हैं उन लोगों को वहाँ पे बस सब कुछ ख़त्म हो गया हो ना तो वो जो इ, इ, आसानियों में इतनी रहने की आदत हो कि ना इंसान बिल्कुल ऐसे लगता है वो आजमायश आती है तो उस पर बहुत मुश्किल से उसको काम करना पड़ता है सुफान अशद السلام عليكم व الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله أكبر إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد